माध्यमिक विद्यालय जुड़े हैं बचपन से भी, जो शिक्षा मंत्री ने घोषणा किया है उसमें हमारे एसटीईटी जितने भी हैं सबको उसमें जोड़ा जाए और एक जगह फॉर्म लिया जाए। जब तक हम लोग भटकते हैं और काउंसलिंग सभी जिला में घुमा घुमा कर करते हैं, एक विद्यार्थी को एक ही फॉर्म शिक्षा मंत्री से आग्रह है एक ही जगह फॉर्म गिराए और 5520 सीट को जोड़ा जाए। मेरा नाम आराधना है। हम अपने माध्यम से नीतीश कुमार जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से ये कहना चाहते हैं कि अगर आपके पास रिक्ति है तो फिर हम लोग को क्यों नहीं दे रहे हैं। हम लोग दर दर की ठोकरें खाने के लिए मर रहे हैं। खुद शिक्षा मंत्री सदन में स्वीकार की है कि हमारे पास 5520 विद्यालय में रिक्ति है, 5520 विद्यालय है जो बिना शिक्षा के चल रहा है। अगर बिना शिक्षा के चल रहा है तो हम यहाँ पे अभ्यर्थी भूखे प्यासे मर रहे हैं। अब माननीय नीतीश जी से हम ये चीज पूछना चाहते हैं, अब एक तरफ बोलते हैं कि हम महिलाओं को 35% आरक्षण दे, अगर आप आरक्षण दे आप सीट नहीं बढ़ाएंगे तो महिलाओं को होगा कैसे? आरक्षण का ही नतीजा है कि हम यहाँ पे हैं। आरक्षण आप 100 में 100 दे दीजिए लेकिन अगर आप सीट नहीं बढ़ाएंगे तो किसी महिला का भी आप आरक्षण दीजिए, ये सही बात है लेकिन आप सीट बढ़ाइए। और मेरा मांग है कि महिला क्या मेरे सारे पुरुष अभ्यर्थी को भी होना चाहिए। मैं 11-12 एसटीईटी पास आउट हूँ और अभी तक हम लोग का कोई नियोजन नहीं हुआ है और इसके लिए हम लोग दर दर की ठोकर खा रहे हैं और हम लोगों का आरक्षण मिलने के बावजूद हम लोग को कोई जॉब नहीं अभी तक मिली है। सरकार बस हम लोग यही मांग है कि सरकार के पास जितनी रिक्ति है 5520 की।